आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने की नागपुर मेट्रो की सवारी ट्रेन में स्टूडेंट से चर्चा की, बाला साहब समृद्धि हाईवे का उद्घाटन भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम की बहन शर्मिला अस्पताल में भर्ती, टीआरएस सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर थी। आदिवासी बेटी पिता की प्रॉपर्टी की समान हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब गैर आदिवासी लड़कियां संपत्ति के हकदार तो आदिवासी बेटियां क्यों नहीं। बेंगलुरु में बेकरी मालिक से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार। ट्विटर पर भिड़े अमित मालवीय और साकेत गोखले, टीएमसी प्रवक्ता ने बताया फेक न्यूज को ली। गुजरात में भूपेंद्र कल दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी और अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, बोले शंकराचार्य और संतों की शिक्षाओं से बचा है भारत। कर्नाटक के मंदिरों में नहीं होगी सलाम आरती, टीपू सुल्तान के शासन में बना 300 साल पुराना नियम बदलेगा। मेघालय सरकार ने साकेत गोखले पर मानहानि का केस किया, कहा वे आदतन अपराधी, टीएमसी प्रवक्ता ने लगाया था घोटाले का आरोप। गरीब लोग आर्थिक तंगी के कारण अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं, न्यायिक प्रणाली सभी के लिए समान है, बोले जस्टिस अभिजीत को कम पता है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने लिया शपथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल व प्रियंका गांधी भी रहे शामिल, डिप्टी सीएम मुकेश का भी शपथ ग्रहण। लव तो लव है, इसमें कोई जिहाद नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का हेमंत विश्वास शर्मा पर निशाना। हॉस्टल कर्फ्यू के समय पर केरल हाईकोर्ट की फटकार, कहा पुरुषों को बंद करो, महिलाओं को बाहर जाने दो। श्रद्धा के पिता का आरोप, बोले अगर महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी मदद की होती तो बेटी जिंदा होती। पॉस्को एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर चर्चा जरूरी, सीजीआई चंद्रचूड़, बोले कानून मानता है नाबालिगों के बीच रजामंदी नहीं हो सकती। यूपी के 7 जिलों में खुलेंगे 10 नए थाने, बरेली और अमेठी समेत 5 जिलों में बनी 11 पुलिस चौकियां, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सड़क पर लड़कियों का डांस और बोनट पर केक, गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रात में हुड़दंग, सात समंदर पार गाने पर जमकर झूमी। दहेज में कार नहीं मिली तो मैनेजर नहीं लाया बारात, झांसी में हो रही थी लव मैरिज, सगाई के बाद बढ़ चुके थे निमंत्रण कार। अब लग्जरी दिखेंगी यूपी रोडवेज की बसें, एयरपोर्ट की तरह हाईटेक होगा बस अड्डा, ट्रेनों की तरह हर डिपो पर होगी सफाई।
क्राइम पेट्रोल देकर करता था लूट की प्लानिंग, मेरठ में केरल के दंपति से ठगी करने वाले स्मार्ट ठग की कहानी। वाराणसी में दोस्त ने की किशोर की हत्या, ननिहाल में रहता था, क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था विवाद। बिजनौर में सड़क हादसे में मासूम समेत 3 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, रुदौली से बारात में शामिल होकर कार से लौट रहे थे, गाड़ी के गड्ढे में पलटने से गई जान। मेरठ में बदमाशों से भिड़ी छात्रा, 6 घंटे में ही मेरठ पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर, दोनों को लगी गोली। खटवासन वार्ड का नंबर बदला, हालात नहीं वार्ड 44 की पहचान, टूटी नाली, उखड़े खरंजे और गलियों में अंधेरा, लोग त्रस्त। जौनपुर में आगजनी, कार और बाइक धू कर जली, लाखों का नुकसान, आग लगने के कारणों पता लगाने में जुटी पुलिस। विकास कार्यों की जांच हो जाए तो जेल जाएंगे जिम्मेदार, वार्ड की बात भास्कर के साथ कार्यक्रम में बोले नागरिक। महाराजगंज में सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, 2 बाइक के आमने सामने टक्कर से हुआ हादसा, घायलों की हालत गंभीर। फतेहपुर में युवती से युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर तमंचा की बट से मारपीट किया। झांसी जेल की महिला बंदी ने दिया बेटी को जन्म, पति की हत्या में 8 माह से जेल में है बंद, एक बेटी पहले भी है। बीएचयू दीक्षांत में पगड़ी चुन्नी का संकट, छात्र बोले 60% लोगों को नहीं मिला साफा उत्तरिया, आज टी शर्ट में ही लेंगे उपाधि। आगरा में बकाए के नाम पर टोरंटो ने काटा समर सेबिल का कनेक्शन, स्थानीय लोगों ने विधायक का किया घेराव, विधायक ने जताया विरोध। शामली में प्रधानाचार्य ने छात्र की डंडों से पिटाई, फील्ड में बैठने पर नाराज था टीचर, स्टूडेंट ने टीचर के खिलाफ दी थाने में तहरीर। मिर्जापुर में यूट्यूब देकर की थी प्रेमिका की हत्या, हत्यारोपी का कबूलनामा, गला दबाया फिर ब्लेड से गला काटा ताकि जिंदा न बचे। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण, 8 पुलिस वाहनों से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अंबेडकर नगर में हथियारों से लैस बदमाशों ने मचाया तांडव, बुजुर्ग की पिटाई के बाद दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग, देर से पहुंची पुलिस। अखिलेश और डिंपल पहुंचे किशनी, कार्यकर्ताओं और वोटरों का जताया आभार, डिंपल को विरासत संभालने के लिए जनता ने दिया ऐतिहासिक जीत। उन्नाव में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, पत्नी पुलिस विभाग में आरक्षी और 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वाराणसी में चलाई साइकिल, बोले घर के आसपास जाना हो तो साइकिल से ही जाएं, ये पॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन। बागपत में खेकड़ा कोतवाली प्रभारी और 1 सिपाही लाइन हाजिर, कोतवाली से दुष्कर्म के आरोपी के फरार होने को एसपी ने माना पुलिस की लापरवाही।
सपा में टिकट के लिए चुकाने होंगे 20,000 रुपए। पार्षद और मेयर प्रत्याशियों को समाजवादी बुलेटिन की आजीवन सदस्यता अनिवार्य हो चुकी है। लखीमपुर खीरी कांड के गवाह के भाई पर हमला, प्रभुजोत सिंह बोला मंत्री टेनी के बेटे आशीष के इशारे पर हुआ, 16 तारीख से है ट्रायल। मथुरा में मोबाइल फटने से झुलसा मासूम, मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान हुआ हादसा, हाथ और मुंह में लगी चोट। आजमगढ़ में देर रात 4 पुलिसकर्मियों के तबादले, निजामाबाद में चोरी की घटनाओं को न रोक पाने पर हटाए गए इंस्पेक्टर। ललितपुर में प्रेमी का माता टीला बांध में शव मिला, 4 दिन पहले प्रेमी प्रेमिका ने लगाई थी छलांग, प्रेमिका का अभी तक नहीं लगा सुराग। बंतरा प्रकरण में आरोपित का नार्को होगा या पॉलीग्राफ, सोमवार को होगा फैसला, खुलेगा वीआईपी का राज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी अस्पताल में छात्र की मौत का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सामने आया रैगिंग का मामला, सीनियर्स वीडियो कॉल पर देते थे आदेश, 44 पर हुई कार्यवाही। आईएमए पीओपी में शामिल होने दिल्ली से देहरादून पहुंचे लड्डू गोपाल, किसी ने ली सेल्फी तो कोई एक टक निहारता रहा। उत्तराखंड में मध्य प्रदेश की युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, फिर बनाए धर्म परिवर्तन का दबाव। उत्तराखंड को मिला 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का गौरव, ऋषिकेश में जुटेंगे कई देशों के प्रतिनिधि। उत्तराखंड में प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, देहरादून में पन्ना प्रमुखों को अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने पर हुई चर्चा। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गढ़वाल राइफल्स के सैनिक की मौत, चंपावत में तैनात राजस्थान का एसएसबी जवान लापता। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर कॉर्पोरेट और राजाजी पार्क में अलर्ट जारी, अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश रद्द। केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए सौगात, रामबाड़ा में संग्रहालय व छोटी लिंचोली में बनेगा चिंतन स्थल। अस्पताल में उपचार के दौरान छात्र की मौत, स्वजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। हरिद्वार के रसियाबड़ रेंज में मवेशियों को चुगा रहे वन गुज्जर पर बाघ ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में गेस्ट टीचरों का 13 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान, कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासनादेश न होने से है खफा। हरिद्वार में घर से आत्मा का मासूम चोरी, जिले भर में नाकाबंदी, शरीदान मांगने गए साधु की तलाश में जुटे पुलिस। उत्तराखंड में बिजली बिल जमा कराने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगी, राजस्थान से किया आरोपी गिरफ्तार। क्रूड ऑयल पर लगे प्राइस कैप को नहीं मानेगा भारत, राजदूत पवन कपूर से मिलकर रूस के उप प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया।
यूएनएससी में आतंकियों को अच्छा और बुरा बांटने का युग तुरंत समाप्त होना चाहिए। भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। चीन में राजनीतिक अस्थिरता बरकरार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के सामने खड़ी हुई चुनौतियां। रूस भी अपना सकता है पहले हमले करने की अमेरिकी रणनीति। पुतिन बोले हमारे पास काफी हथियार। ब्रिटेन ने लगाया पाकिस्तानी मौलाना पर बैन। जर्मन जबरन धर्म बदलाव कर नाबालिग को कराता था शादी। भारत रूस बैठक पर यूक्रेन जंग का असर। रूस की यात्रा नहीं करेंगे पीएम मोदी। पुतिन से बनाएंगे दूरी। ब्रिटेन में क्रिसमस पर सबसे बड़ी हड़ताल। यात्री परेशान। दिसंबर में रेल और एयरपोर्ट सेवाएं होंगी बाधित। टूरिज्म पर पड़ेगा असर। एयर इंडिया की फ्लाइट में घुसा सांप। दुबई से करीमपुर आ रहे विमान से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फ्लाइट कैंसिल। ड्रोन किलर मेजर वादिम बना यूक्रेन का हीरो। बहादुरी के लिए मिलेगा गोल्डन स्टार। खून से लथपथ चेहरे के साथ ली थी सेल्फी। शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग। बांग्लादेश में विपक्ष कर रहा चुनाव की मांग। हजारों विरोधियों की जेल में डाल चुकी है सरकार। ट्विटर ब्लू सर्विस सोमवार को रिलॉन्च। सब्सक्रिप्शन वाले यूजर को ब्लू चेक मार्क मिलेगा। एसडी वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे। सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिशें की। तंबाकू यूज पर रोक और जीएसटी बढ़ाने का दिया तर्क। कारों की बिक्री 21% और दोपहिया की 24% बढ़ी। नवंबर में घरेलू बाजार में 23.80 लाख हर सेकेंड में बिका एक वाहन। सैमसंग ने लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन। 8,499 में मिलेगा गैलेक्सी MO4। इसमें 8 GB रैम के साथ 128 GB का स्टोरेज। पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप पर मंथन। DNPA के दूसरे डायलॉग में एक्सपर्ट्स बोले भारत भी बनाए कनाडा के बॉर्गेनिंग कोर्ट जैसा कानून। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम सरकार ने की पहल। कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश। गोंडा से राजेंद्र नगर के बीच दौड़ी नई ट्रेन। निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। आईटी मंत्री राजू चंद्रशेखर का बड़ा बयान बोले ट्विटर पर दुष्प्रचार थमा। भारत में ऐसी चीजें पूरी तरह से अस्वीकार। मारुति ने वापस बुलाई 9,125 कारें। 2 से 28 नवंबर 2022 के बीच हुई मैन्युफैक्चरिंग शोल्डर हाइट एडजस्टर असेंबली में गड़बड़ी। देश की छठी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के लिए रवाना। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील की हार से बेहद दुखी है नेमार। इंटरनेशनल फुटबॉल में ले सकते हैं संन्यास। नीदरलैंड के स्टार खिलाड़ी पर भड़के लियोनेल मेसी। ऑन एयर बोल दिया आगे बड़ो बेवकूफ।
बीसीसीआई को लेकर फिर तिलमिलाई। पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा कहा, भारत के बिना ही हमारी क्रिकेट चल रही है। चयनकर्ताओं के अनदेखी से भारतीय क्रिकेटर का दिल टूटा। करुण नायर ने ट्वीट कर लगाई गुहार, डियर क्रिकेटर मुझे एक और मौका दो। विराट ने 39 महीने बाद वनडे में लगाए सैकड़ा। 72वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर पोटिंग को छोड़ा पीछे। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल बाहर, मोरक्को ने नॉकआउट में हराए। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी। सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस इंग्लैंड को, क्वार्टर फाइनल में 2-1 से हराए। ओलिवर जीरूड ने दागा डिसाइडर। ईशान की डबल सेंचुरी पर कोहली का डांस। लिटन ने छोड़ा विराट का आसान कैच। देखिए तीसरे मैच के टॉप मोमेंट्स। इंग्लैंड को 281 रन की बढ़त। पाकिस्तान की पहली पारी 202 पर सिमटी। दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 5-202। पुर्तगाल को टूर्नामेंट से बाहर करने के बाद मैदान पर अपनी मां के साथ नाचा मोरक्को का वीडियो वायरल हुआ। रिया चक्रवर्ती को फिर हुआ प्यार। सुशांत के निधन के 2 साल बाद बॉयफ्रेंड बंटी की बहन सीमा सजदे के साथ आई नजर। दिलीप कुमार की फोटो देख इमोशनल हुई सायरा बानो। पहले पोस्टर पर लगी फोटो को निहारा, फिर रोक नहीं पाई आंसू। भारत में रिलीज नहीं होने देंगे पाकिस्तानी फिल्म। मनसे के नेता ने बोला, जिन देशद्रोहियों को फिल्म देखना है वो पाकिस्तान जाए। कांतारा देखने आए कपल के साथ मारपीट, लड़की को हिजाब पहना देख फिल्म देखने से रोका गया। कर्नाटक की यह घटना। हिंदी फिल्मों में ओरिजिनल कंटेंट की है कमी। करण जौहर ने कहा, हम दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तुलना में पीछे रह गए हैं। सुशांत के फ्लैट को किराए पर नहीं लेते हैं लोग। ब्रोकर ने कहा, किराए पर लेना तो दूर, इस घर में आने से डरते हैं लोग। शहनाज गिल के शो देशी वाइब्स में पहुंचे विक्की कौशल, दोनों ने आंखें मिलाने का खेला खेल। फैंस को पसंद आई केमिस्ट्री। लेदर जैकेट में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई काजोल। स्टाइलिश लुक में दिखी सोफी चौधरी, सनी लियोनी समेत स्पॉट हुए स्लेब्स। टीवी एक्ट्रेस वीडा कपूर की हत्या। 12 करोड़ के फ्लैट के लिए बेटे ने पीट पीट कर मार डाला, नदी में फेंकी लाश। अवतार 3 का प्लान बना रहे जेम्स कैमरू, अगले पार्टी में अग्नि के इर्द गिर्द होगी फिल्म की कहानी। शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।